तो हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्लेस एंड आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं इंडस गेम की सारी सेटिंग्स एंड सेंसिटिविटी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जर्नल का ऑप्शन आता है। जर्नल पे ये सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एम असिस्ट से एम असिस्ट वर्क करता है, आप सभी को पता होगा। ऑटो लोड भी आप सभी को पता है कि ऑटोमेटिक लोड पिकअप होती है। एडीएस मोड जो है वो लाइक टैप होना चाहिए होल्ड, इसमें आप क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करके पढ़ सकते हो। तो इसको मैं अभी टैप पे रखता हूँ। उसके बाद एडीएस कैमरा रोटेशन है, इसको भी आप पढ़ सकते हो ऑन ऑफ करने से क्या होता है, सारा कुछ क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करते ही दिखने लगेगा। उसके बाद जायरोस्कोप मैं ऑलवेज ऑन रख, आप अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद एम एक्सेलरेशन जो है इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसे ही आप किसी को ट्रेस करते हो वो अच्छा ट्रेस होता है। एंड एम स्मूथिंग भी बेटर है, इसको भी मैं ऑन रखता हूँ। इन्वर्ट टच एक्सिस ये सब ऑफ रखना गाइस, इन सब का कोई उतना यूज है नहीं। ये इन्वर्ट जायरो अपलाइक अपोजिट जायरो है, आप राइट घुमाओगे तो लेफ्ट घूमेगा, इसका उतना कोई भी यूज नहीं करता। ये चार ऑप्शन आप ऑफ ही रखो। उसके बाद बोल्ट एक्शन स्नाइपर वाला मोड आता है, लाइक स्नाइपर को आप कैसे यूज करना चाहते हो। तो मैं तो टैप रखता हूँ, अगर आप रिलीज में खेलना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद ऑटो फायर है, ये प्रॉक्स बहुत कम लोग ऑन रखते हैं, बट मैं ऑन रखता हूँ बिकॉज जैसे ही आप कोई एनिमी स्मोक पे है आप उसको भी इस चीज से मार सकते हो। ये होता क्या है कि जहाँ पे भी बंदा है अगर आपका वहाँ पे एम जा रहा है तो ऑटोमेटिक 3 सेकंड लेगा लॉक होने में और अपने आप गन फायर करने लगेगी। सो स्मोक के अंदर एनिमी ढूंढने में बहुत काम आता है ये। उसके बाद आता है ब्लॉक लूट इनपुट फॉर फायर बटन, इसको मैं ऑफ रखा हूँ। उसके बाद अगला देख सकते हो ऑन है दोनों। इसके बाद हम चलते हैं अगले सेटिंग पे कंट्रोल। सो मैं एक थंब प्लेयर हूँ इसलिए मैं फर्स्ट वाला यूज करता हूँ। एंड ये मेरी कंट्रोल की सारी चीजें हैं जो आपको दिख सकती हैं यहाँ पे, आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो। मैं थंब प्लेयर हूँ इसलिए मैं ये लेआउट यूज करता हूँ। आप अगर इसमें चेंजेस करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद की सेटिंग भी बना सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं गेम प्ले पे। गेम प्ले पे ऑटो स्प्रिंट मैं ऑन रखा हूँ एंड क्राउच ट्रिगर को टैप रखा है मैंने, लाइक क्राउच, जब तक मैं क्राउच बटन को टैप करके छोड़ दूंगा तो वो क्राउच ही रहेगा। और आप होल्ड भी रख सकते हो कि जब तक आप प्रेस करके रखो तब तक वो क्राउच रहेगा। उसके बाद प्लेयर वेपन आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें नॉर्मल बेसिक चीजें हैं, टीपीपी एफपीपी वर्ड और एफपीपी गन, ये तीनों फुल रखा हूँ बिकॉज अच्छा व्यू आता है एंड गेम के अंदर एक आईपैड वाला व्यू देखने को मिलता है इनको फुल रखने से। उसके बाद हड पे आते हैं, हड पे मिनी मैप है, लाइक मिनी मैप जो आपका मैप होता है दिखता है स्क्रीन पे वो सर्कल होना चाहिए रेक्टेंगुलर, तो मैंने रेक्टेंगुलर रखा है और इसको मैंने फिक्स रखा है। नहीं तो होता क्या था कि आप जैसे घूम रहे हो तो मैप घूमने लगता था, इसलिए मैंने फिक्स रख लिया है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद टीम नेम फ्लोटिंग हड, इसका मतलब होता है कि गेम के अंदर आपके टीममेट पे जैसे नंबर 1 लिखा है उसके ऊपर नाम लिखा रहता है, कई बार वो नाम की वजह से एनिमी नहीं दिखता, तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो। मैं फिलहाल ऑन रखता हूँ क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो जाता है कि मेरा नंबर 1 कौन सा टीममेट है, 2 कौन सा टीममेट है, इसलिए मैं इसको ऑन रखता हूँ। उसके बाद आते हैं सेंसिटिविटी पे। तो ये टच सेंसिटिविटी है मेरी एंड ये है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी, लाइक इसको मैंने ज़्यादा छेड़ा नहीं है, iOS के लिए है। अगर आप iOS नहीं यूज़ करते तो मैं Android के भी दिखा दूंगा। ये मेरी iOS की सेंसिटिविटी है, आप वापस से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड मैं थंब प्लेयर हूँ अगेन बता दे रहा हूँ, और मैं फुल जायरो खेलता हूँ। अगर आप भी ऐसे हो तो आप ये सेंसिटिविटी ले सकते हो, या तो आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाके। एंड ये है गाइज मेरी एंड्रॉयड की सेंसिटिविटी, आप ध्यान से देख सकते हो ये टच की हो गई एंड ये मेरी जायरोस्कोप की हो गई। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये प्रॉक्स सारे एंड्रॉयड डिवाइस पे वर्क करेगी, तो आप एक बार ये सेंसिटिविटी जरूर ट्राई करना। हैं ग्राफिक में तो अभी के लिए मैं परफॉर्मेंस रखा हूं, बट नॉर्मली मैं बैलेंस में खेलता हूं, क्वालिटी अभी नहीं करता बिकॉज गेम बीटा फेज में है, तो इसलिए भी मैं क्वालिटी पे नहीं जाता बिकॉज मुझे अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए। उसके बाद ऑडियो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, सब कुछ दिया हुआ है। हाँ, नीचे जो है वॉइस ट्रांसमिशन चैनल एंड वॉइस रिसीव चैनल, इसको मैं नन पे करके रखा हूँ बिकॉज लाइक ये तब के लिए है जैसे कि आप गेम पे जाओगे लॉबी पे एंटर करोगे वैसे ही आपका माइक ऑन होगा, अगर आप नॉन पे रखोगे तो दोनों ही ऑफ होगा स्पीकर और माइक। अगर आप इसको पार्टी पे रखोगे तो सिर्फ टीममेट के लिए रहेगा, टीम ग्लोबल ऐसे आप करके सब स्विच कर सकते हो। मैं नन पे रखता हूँ, जब मुझे करना हो तो मैं ऑन कर लेता हूँ। उसके बाद अबाउट तो आपको पता ही है। सो गाइस ये थी सेंसिटिविटी की वीडियो, अभी सेंसिटिविटी में डिटेल में मैं बता दूंगा कि iOS पे आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, या आपका कोई भी डिवाइस है उसके लिए आप अच्छी सेंसिटिविटी खुद से कैसे बना सकते हो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। सो स्टे ट्यून गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं एक और नई वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।